साढ़े अमित शर्मा लाठी जी एंटर करके तीसरे दिन मोही तो साढ़े करमजीत जी मोही एंटर करके फिर साढ़े मनमिंदर सिंह जैसपुरा जी हर का इंचार्ज पायल तो पखड़ता से बैठ के अब इन्ना जोश इन्ना दर्द देखते हुए सरदार संघोवाल जी हर का गिर के इंचार्ज जीवन सिंह जी संघोवाल उन्होंने तो दलितों का मनमिंदर सिंह जी जैसपुरा जी तो दलितों का साढ़े सारे वॉलंटियर जिन्हें भी धर्मिंदर फौजी जी जिला प्रधान एस सी सिंह अमन सैन जी जिला प्रधान देसी जगजीत सैनी जी साढ़े ट्रेड विंग के आगू उन्होंने अमित शर्मा जी सीनियर आगू नॉर्थ तो इस तरह मोहित तो रणजीत जी ये सब तो दलित वर्ग का ऐसा जुल्म दलित वर्ग से हो रहा सहार दिया ना अज जीवन सिंह संघोवाल ने पार्टी की गाइडलाइन तो उठ के अब कैप्टन सरकार दे एक एमपी ने दलित विरोधी बयान दिता सी कि अपवित्र जगह ते पवित्र जगह ते दलित ही नहीं जा सकते उन्होंने सीटा दलितों को क्यों दित्तियां गईयां अजे तक ना तो कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री का ना किसी सीनियर प्रधान का ना MLA का कोई ऐसा बयान नहीं आया जिते उन्होंने निंदा प्रगट की हो दलित विरोधी चेहरा नंगा हो रहा तो लखा विद्यार्थियों का जो वजीफा रुकया होया इन्हों का मंत्री जोड़ा घोटाला कर गया उन्होंने विरोध के भी बैठे हैं तो लखा विद्यार्थियों रोल नंबर दवा के उठा गए तो असं अणमिथे समय में भुख हड़ताल से हो पंजाब दे जिन्हें जिले आ सारे साडे वलंटियर बैठे हुए साडे MLA की ड्यूटी लगी हुई है पर लुधियाने तो अज मैं अणमिथे समय सब तो पहला वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह अज बड़े गुस्से दे नाल और जोश दे नाल आम आदमी पार्टी के वलंटियर ते अहुदेदार साहिबान ते आगू साहब साढ़े इत्थे पहुँचे हुए ने अज असी क्यों पहुँचे हाँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा रवनीत सिंह बिट्टू है वो MP है पहला भी MP रह चुके ते हुण भी MP है इस वक्त उसने दलित भाईचारे के खिलाफ साढ़े समाज के खिलाफ जो अपशब्द बोले ने उस दे खिलाफ असी अज उसका पुतला जिहड़ा आ साड़ के उसनू ये दसांगे कि जिहड़ा दलित भाईचारा आ अज जाग चुकिया आ इस दे विरुद्ध तुसी जिहड़ियां साजिशां करदे रहे हो इन्हां नू थल्ले गेरन दीआं ये हुण नहीं चलणियां 2022 का समा आ गया आ 2022 दे विच असी आम आदमी पार्टी वल्लों ये जिहड़ा आम आदमी पार्टी का झंडा आ इहनूं बुलंद करांगे और तुहाडियां सीटां ने जिहड़ियां ओह जीरो ते लैके जावांगे 2000 अपने पिछली बारी जिहड़ियां दिल्ली दे विच इलैक्शनां होईआं ने उस दे विच असी तुहानूं जीरो दे विच पहुँचाया आ अज पंजाब दे विच असी तुहानूं जीरो लैवल ते पहुँचावांगे साडे देश दे विच राष्ट्रपति साहब साढ़े समाज के ने दलित भाईचारे के नाल संबंध रखते हैं जिस देश दे विच राष्ट्रपति दलित भाईचारे के नाल संबंध रखता होवे उस देश दे विच एक इस तरह का सांसद जिहड़ा उसे समाज नूं नीवा दिखा रहा होवे मैं कहना है कि ये जिहड़ी इसकी जिहड़ी संसद दे विच जिहड़ी मैंबरशिप है वह भी राष्ट्रपति साहब नूं फौरी तौर पर दखल दे के उसकी जिहड़ी संसदी है उसनों रोक देना चाहिए आ सस्पेंड कर देना चाहिए आ उसनों संसद दे विच वड़न नहीं दिता जाना चाहिए अगर साडे देश दे विच राष्ट्रपति साडे समाज दे नाल दलित भाईचारे दे नाल संबंध रखता आ तो मैं चाहुंदा आ कि भई उस ओह अपनी जिहड़ियां शक्तियां ने उन्हां दा इस्तेमाल करदे हुए राष्ट्रपति साहब इसकी जिहड़ी संसद दे विच आउण दी जिहड़ी मंजूरी है वह रद्द करे और खत्म करे। हाँ जी अज का जो विषय है आम आदमी पार्टी के वर्कर ने भुख हड़ताल की है कि रवनीत सिंह जी बिट्टू जो कि मौजूदा MP है उसने दलित भाईचारे के खिलाफ अपशब्दों की वरतों की है तो जो कि बहुत निंदनयोग है ये उन्होंने फितरत दे विच है पहला भी एक लड़की केतिया फ्रांस तो जो आई सी चंडीगढ़ तो उन्होंने हरकीरत सिंह कोटली दे नाए उस दे नाल भी की सी ते कांग्रेस इस बचाने लिए लगी हुई है तो साधु सिंह धर्मसोत जो कि SC बच्चों के वजीफे का घोटाला कर गया है
तो वो अज तक बच्चों नहीं मिले जिन्हों की विद्या के उपर असर पै रहा है। तो पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह जो साढ़े मुख्यमंत्री हैं पूरे बचाने लिए लगे हुए हैं, तो करप्ट सरकार है। तो साडा मिशन 2022 है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए, तो इन लोटू टोलो पार्टियां सत्ता तो दूर करिए। थैंक यू। हाँ जी, अज जिहड़ा साडा इह शोक सभा जिहड़ा शोक सभा लगाई है ना असीं, इह रवनीत बिट्टू जी का पुतला साड़ रहे हैं, क्योंकि रवनीत बिट्टू जी बोलन लगे अपने लफ्जां ते विराम नहीं देंदे। वो एक सौजवान लीडर आ, सानू उन्हां तों उम्मीद नहीं सीगी कि वह इस तरह करनगे। जदों अपने सीरिया नूं एस सी विंग चों सीट लड़वा सकते हैं, तो उन्होंने पता सी कि एक एस सी कास्ट की जिहड़ी इन्होंने जिहड़ी निखेधी की आ कि इन्होंने पवित्र थावां जिहड़ियां पवित्र सीटां जिहड़ियां ने कि एस सीआं नूं दित्तियां, इन्हां दी नज़रां च असीं अपवित्र आ, इन्हां दी नज़रां च एस सी वर्ग पवित्र आ। अपवित्र इन्होंने लफ्ज़ जिहड़ा वरत्या ना, असीं उहदे खिलाफत करदे आ। साडा किसे नाल कोई परसनल जात विरोध नहीं आ, साडा कोई वैर विरोध नहीं आ, पर जो साडे जाति सूचक लफ्ज़ लै के साडियां एस सी भरावां नूं जां एस सी कास्टां नूं निखेधी करेगा जां विरोध करेगा जां गलत लफ्ज़ वरतेगा, तो असीं इसे तरह पुतले साड़दे रहांगे, तो इसे तरह इन्हां दा जनाजा कढ़दा रहांगे। तो बिट्टू जी नूं इन्ना क समझ होनी चाहिए आ कि जदों भी वह बोले आ हमेशा उन्होंने गलत ही बोलिया। जदों भी उन्होंने देखा कि जो हुण मैं थोड़ा मिट्टी थले दबदा जा रहा जां मैं निकल के सामने नहीं आ रहा, वह इहो जिहा एक उड़दा तीर लैंदे आ ते सामने आने की कोशिश करदे आ। ये फोकियां पबलिसिटियां बंद कर दो बिट्टू साहब, कोई चज का काम कर लो। प्यो दादे ने जो तुहाडे ने गंद पाया ना, साडी पंजाब दी नौजवानी दा घाण कीता, तुसीं तां माफ़िया मंगदे ना थकदे, तुसीं अज फिर उही करतूतां ते आ गए हो। रंगरेटे गुरु के बेटे एक दिन तुहाडा इहो जिहा तख्त उखाड़नगे कि तुसीं याद करोगे। यही वार्निंग दिनी आ कि अगे तो बोलन लगे थोड़ा जा लफ्ज़ा नूं विराम दे दो, नहीं तो बुल सीने आउंदे आ। ये रंगरेटे गुरु के बेटे सिख कौम विच फौजां विच बदला लैण लई गिणे जांदे सी, ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद इन्हां नूं गलना लाया। तो साडी बाणी दे विच भी साडे हर वर्ग दे हर धर्म दे जिहड़े साडे मतलब सिख संगत दे साधु संतां दी बाणी दर्ज आ, सानूं जात पात तो बहुत उपर रखिया गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तो असी अगर सिख हो के पगड़ी धार के असी जात पात की गल करदे आ तां लाणत आ बिट्टू जी, पग ला के रख दो, शर्म ना डुब मरो। जे तुसी एक सरदार कम्यूनिटी नूं बिलोंग करके तुसी इह गल्लां बोलदे हो कि ऐसी अपवित्र होंदे ने ते डुब मरो, तुहानूं कोई जिंदगी जीण दा कोई हक नहीं हैगा। तुहाडे कोल होर लफ्ज़ नहीं रहा, तुसीं पब्लिसिटी लैण लई एक ऐसियां दे पिछे पै गए, अपवित्र दा लफ्ज़ यूज़ करन लग गए। यह बी एस पी साडे लई कोई बड़ा फंडा नहीं आ, असीं नहीं डरते बी एस पी तो। मायावती दे जिन्ने क केस ने उन्ने कि अकालियां ते कांग्रेसियां ते ने, यह सारे दुराचार ते भ्रिष्ट नेता ने, भ्रिष्ट पार्टियां ने। यह लगता है कि यह भ्रिष्ट पार्टियां आम आदमी पार्टी नूं दबा लैणगियां। हुण पंजाब जाग चुक्या ते हुण इह सौण वाला नहीं आ, तुहाडा तख्त हलावांगे। ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸੋਧ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਧਰਮ, ਸਾਧੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਚੋਰ ਕਰਾਫਟ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ 19 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਬੀਸੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 1,550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੋ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 19 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਨ ਵਰਤਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ।